ए दीपक दीपक Thank you.
कैसी लगी पेंटिंग? बहुत सारी बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। आपको कौन सी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और क्या कहना चाहिए? देखिए, पेंटिंग सब बहुत खूबसूरत हैं और मैं ख़ास इसलिए आई हूँ आज क्योंकि मैं संजय भट्टाचार्य की बहुत फ़ैन भी हूँ, सालों से उनकी पेंटिंग्स एडमायर कर रही हूँ, देख रही हूँ। और आज मैं उनसे भी कह रही थी कि बहुत अलग स्टाइल है उनका इन पेंटिंग्स का। पहले उन्होंने शायद लैंडस्केप्स वगैरह ऐसे नहीं किए हैं और ये आज जो देखने को मिला है बिल्कुल फ्रेश उनका एक न्यू आई थिंक स्टाइल है और एज़ यूजुअल बहुत खूबसूरत है। ये जो वाले जो कलर्स हैं दे सो फ्रेश, बट आई बिलीव सब ऑलरेडी बिक चुके हैं। आई थिंक जो उनके फैंस हैं पहले ही आके उन्होंने बुक कर दिए हैं। बट मेरी इच्छा है कि मेरे घर में एक संजय भट्टाचार्य ज़रूर हो। अभी मैं शायद पता नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, उनको बहुत साल पहले लेना चाहिए था, बट इच्छा ज़रूर है कि आई शुड हैव हिज पेंटिंग इन माई हाउस। बहुत एडमायरर हूँ मैं उनके काम की। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा? हाँ जी, सी आई लाइक दीज वाटर लोटसेज एंड लिलीज एंड ऑल ऑफ दैट, पर मुझे लैंडस्केप बहुत पसंद है। एक वहाँ पे उस बच्चे के साथ पेंटिंग है स्टिक के साथ और एक वहाँ पे लैंडस्केप है विद द सन, मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि बहुत डिटेल में किया हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन है पानी में, पेड़ों की डिटेल्स हैं, वेरी ब्यूटिफुली डन। लाइफ में कौन सी पेंटिंग है जो आपको अभी तक याद है, जो कभी आपके दिमाग ज़हन से जाता नहीं है, जो याद है? कुछ दो साल पहले मैं सेंट पीटर्सबर्ग गई थी, वहाँ पे म्यूज़ियम है हर्मिटेज, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है क्योंकि कुछ लाख आर्ट वर्क्स हैं वहाँ पे, और वहाँ बिग मास्टर्स की यू नो रूबिन्स की, पिकासो की, बहुत अलग अलग वर्ल्ड के जो बहुत नामी पेंटर्स रह चुके हैं सबकी पेंटिंग्स थी, और उनको देख के तो मतलब लिटरली चकाचौंध रह जाते क्योंकि इतने सालों से हम किताबों में और सबको देखते थे वो पेंटिंग्स। और वो तो इंटरनेशनल पेंटर्स हैं, बट इंडियन पेंटर्स में सचमुच संजय इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेंटर्स। आई रियली एंजॉय हिज वर्क। और बहुत सारे मेरे पेंटर फ्रेंड्स हैं जो बहुत मास्टर्स हैं, चरण शर्मा है और गुरचरण सिंह हैं, बहुत हमारे इंडियन पेंटर्स बहुत टैलेंटेड हैं, बट संजय भट्टाचार्य इज़ रियली वन ऑफ माई फेवरेट। थैंक यू।